हरियाणा के गुरुग्राम में अगवा 1.5 साल के बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। शिवाजी नगर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि अस्पताल में काम करने वाली एक औरत ने इस बच्चे को अगवा किया था। ये बच्चा सुबह लगभग 7 बजे अपनी 10 साल की बहन के साथ खेल रहा था, तभी एक औरत उसे गोदी में लेकर चली गई। सीसीटीवी कैमरे में इस औरत का चेहरा रिकॉर्ड हुआ, फिर पुलिस ने सिर्फ 5 घंटे में ही इस बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या विवाद पर सरकार ने एक बड़ा दांव खेला। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित जमीन को छोड़कर वहां की बाकी जमीन राम जन्मभूमि न्यास और दूसरे मालिकों को वापस करने की मांग की, ताकि उस जमीन पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो सके। 67 एकड़ में से 45 एकड़ जमीन भूमि का मालिकाना हक ही राम जन्मभूमि न्यास के पास है, और मैं तो कहता हूँ वहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो। हालांकि विवादित जमीन के मुस्लिम पक्षकारों ने सरकार की याचिका पर तुरंत सवाल उठा दिए। राम जन्मभूमि न्यास की जमीन कहाँ है, कितनी है, अभी ये सब चीजें आएंगी, अगर आती है तो पहले तो हम इसी में एतराज करेंगे, गवर्नमेंट कौन होती है इसको करने वाली कहने वाली। अयोध्या की विवादित जमीन पर सरकार की याचिका से राम मंदिर निर्माण में तेजी आने की चर्चा तेज हो गई, और हिंदू संगठनों ने सरकार के फैसले का खुलकर स्वागत किया। अयोध्या की विवादित जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सुनवाई शुरू होने वाली है। अयोध्या में 2.77 एकड़ जमीन विवादित है, जिस पर मालिकाना हक का फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन इस जमीन के पास और गैर विवादित 67 एकड़ जमीन सरकार ने साल 1993 में अधिग्रहित की थी, जिसमें करीब 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास की, जो अब इसे वापस चाहता है। हालांकि 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, यानी ये जमीन सरकार किसी को सौंप नहीं सकती। इसीलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, तो इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा गया। जानकार मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर मुद्दे पर दांव खेलना चाहती है, इसलिए सीएम योगी ने तो सरकार की इस याचिका से पूरा विवाद ही खत्म होने का दावा कर दिया। वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप भी है, हमें गैर विवादित लैंड पर तत्काल कार्य करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। वहीं विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। आज उस बेंच की गतिविधियों को रोकने के लिए, उसे दूसरे स्तर पर और उसको दूसरी दिशा देने के लिए ये मोदी सरकार का सांप्रदायिक दृष्टिकोण केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया। हालांकि कांग्रेस इस मामले में सीधा विरोध करने से बचती दिखी। तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला लंबित है, तो उस पर जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब तक ना आए उस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं व्यक्त की जा सकती। अयोध्या में 67 एकड़ जमीन वापस करने की याचिका पर बहस के साथ सियासत तेज होनी तय है। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि एबीवीपी वाले किसी की चाकरी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। कटारिया ने कहा कि एबीवीपी किसी एक की पूजा नहीं करता। भीलवाड़ा में गुलाबचंद कटारिया एमएलवी कॉलेज छात्र संघ के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। हमने किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की, हम किसी व्यक्ति की नौकरी करने पैदा नहीं हुए, चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो, हम उसकी चाकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। जो देश को आगे बढ़ाएगा उसकी मदद करेंगे, जो देश को रोकने का प्रयास करेगा उससे लड़ाई करेंगे, यही तो लड़ाई थी और क्या थी।